मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग इन सभी एग्जाम्स के लिए यूपीएसआई 2021, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी डबल एससी पीईटी, आरआरसी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी सीईटी 2021, एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ सीजीएल एमटीएस स्टेनो और टीचिंग एग्जाम्स के लिए। इसमें आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, क्लास सॉल्यूशन पीडीएफ, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस और क्विज आफ्टर एवरी टॉपिक। इसमें आपको मिलेगा एक स्पेशल फीचर हर शनिवार लाइव वीडियो कॉलिंग, जिसमें हम आपके पर्सनल डाउट्स को दूर करेंगे। तो साथियों, अभी जाकर एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें और ज्वाइन करें पुलकित सर रीजनिंग बैच। जय हिंद साथियों, पुलकित सर रीजनिंग बैच लॉन्च हो चुका है 13 जून। तो इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग इन सभी एग्जाम्स के लिए यूपीएसआई 2021, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी डबल एससी पीईटी, आरआरसी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी सीईटी 2021, एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ सीजीएल एमटीएस स्टेनो और टीचिंग एग्जाम्स के लिए। इसमें आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, क्लास सॉल्यूशन पीडीएफ, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस और क्विज आफ्टर एवरी टॉपिक। इसमें आपको मिलेगा एक स्पेशल फीचर हर शनिवार लाइव वीडियो कॉलिंग, जिसमें हम आपके पर्सनल डाउट्स को दूर करेंगे। तो साथियों, अभी जाकर एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें और ज्वाइन करें पुलकित सर रीजनिंग बैच। जय हिंद साथियों, पुलकित सर रीजनिंग बैच लॉन्च हो चुका है 13 जून। तो इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग इन सभी एग्जाम्स के लिए यूपीएसआई 2021, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी। इसमें आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, क्लास सॉल्यूशन। तो इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग इन सभी एग्जाम्स के लिए यूपीएसआई 2021, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी डबल एससी पीईटी, आरआरसी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी सीईटी 2021, एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ सीजीएल एमटीएस स्टेनो और टीचिंग एग्जाम्स के लिए। इसमें आपको मिलेंगी डेली लाइफ। हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं सोनम एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार एग्जामपुर में आपका स्वागत करती हूँ। सो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो आप सभी लोग आ चुके हैं 12 बजे। चलिए तो खैर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और ठीक है क्लास को हम लोग शुरू करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। और शायद गलती से आप लोग का 12 बजे का ये इवेंट बना हुआ था, बाकी हम लोगों की जो कि क्लास थी वह लेंगे, वह आप लोगों को बुक्स डेज एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। अगर बफरिंग की प्रॉब्लम हुई थी तो एक बार रिफ्रेश कर लेना, अभी सभी चीज़ें सही हैं। ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, नहीं वैसे ठीक है। तो चलिए देखिएगा एक बार सभी चीज़ें सही है ना, एक बार ज़रा बता दीजिए सभी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, ज़रा बताओ आप लोग। ठीक है चलिए सो करते हैं, यहाँ पे आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन है आप लोगों का कि सिक्किम में किस त्योहार को तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, किस त्योहार को मनाया जाता है। सो बिल्कुल सही है, कौन सा, लोसार त्योहार को मनाया जाता है। ठीक है, लोसार त्योहार को नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है सिक्किम राज्य में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। द नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जायद ऋतु की फसल है। यदि हम जायद ऋतु की बात करते हैं तो यह है आप लोगों की मई से जून जुलाई के बीच में होती है, मई से जून जुलाई के बीच में यह फसल आपकी होती है। ठीक है, जो कि हम लोग कहेंगे सीजनल फसल, जैसे कि ककड़ी हुआ, करेला हुआ, तरबूज, खरबूजा,
ये जो फसल है यह आपकी जायद की फसल कहलाती है, ठीक है। उसके बाद यदि हम खरीफ की फसल की बात करें, सो खरीफ की फसल आपकी मानसून के समय में लगती है, मानसून के समय में, जैसे कि मतलब हम बात करें जून या फिर जुलाई, जून या फिर जुलाई में इनको लगाया जाता है और उसके बाद सितंबर एंड अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है। इसका जो बाकी टाइम बचा वह रबी की फसल का होता है। रबी की फसल को अक्टूबर से नवंबर के समय में लगाया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, ठीक है। और यदि हम इन फसलों की बात करते हैं, सो यहाँ पर कद्दू, पम्पकिन जो कि है, यह है आपकी जायद ऋतु की फसल है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, जायद फसल की, जायद की फसल कौन सी है अपनी, यहाँ पर कद्दू, हाँ ककड़ी, खीरा, यह सभी और कद्दू भी, ठीक है। चलिए सो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आंसर करना शुरू कीजिएगा आप लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अपूर्वी चंदेला निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। यदि हम अपूर्वी चंदेला की बात करते हैं, सो इनका जन्म जयपुर में हुआ है, मतलब कि यह राजस्थान से बिलोंग करती हैं, ठीक है, राजस्थान से बिलोंग करती हैं और 2019 में ISSF की प्रतियोगिता में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी दिया जा चुका है, इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी दिया जा चुका है और यह है राइफल निशानेबाज हैं, ठीक है, जो कि 10 मीटर एयर पिस्टल में परफॉर्म यहाँ पर करती हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा यदि इनकी बात करते हैं, सो यह राइफल शूटिंग मतलब कि निशानेबाजी से बिलोंग करती हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए सो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन में, द नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन कि प्रसिद्ध पुस्तक द ग्रेट स्मॉग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, द ग्रेट स्मॉग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, बताएंगे, बताएंगे कौन है, यह है आप लोगों को बताना है आंसर करके। क्या आप लोगों का आंसर भाई यहाँ पर हो जाएगा, क्या आप लोगों का आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आप लोगों ने बताना है आंसर करके, क्वेश्चन का आंसर क्या यहाँ पर हो जाएगा, बताएंगे, क्या आंसर आप लोगों का रहेगा, यह आप लोगों को बताना है। चलिए प्रसिद्ध पुस्तक द ग्रेट स्मॉग ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है, इस बुक के लेखक के बारे में आप लोगों को बताना है कि इस बुक के जो कि लेखक हैं भाई वह कौन है। अब तो ब्राइटनेस की प्रॉब्लम नहीं है ना, देख करके बताइएगा एक बार। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं द ग्रेट स्मॉग ऑफ इंडिया, यह सिद्धार्थ सिंह की बुक है, ठीक है, और जिन बुक्स के बारे में मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ उनको लिख लीजिएगा, ठीक है। आप जानते होंगे, आपने अपना सिलेबस देखा होगा कि जनरल अवेयरनेस आपकी 10 मार्क्स की आने वाली है, 10 नंबर की आपकी जनरल अवेयरनेस आने वाली है। चलिए ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, मैं बुक्स के बारे में बात कर रही थी, आप लोगों को बता रही थी। तो जनरल अवेयरनेस जो कि है वह आप लोग की 10 नंबर की आने वाली है, जिसमें हम बात करें तो आप लोगों के जैसे कि पड़ोसी देश, बुक्स है ना, डेज, आपके इंस्टीट्यूट के बारे में, इन सभी के बारे में क्वेश्चंस आप लोगों के बनेंगे, तो अच्छे से कवर करना है आप लोगों को। और 10 नंबर बहुत मायने रखते हैं, ठीक है, 10 नंबर के लिए अगर आप लोग 2 घंटे जो कि आप पढ़ रहे हैं, 10 नंबर के लिए जो कि आप पढ़ रहे हैं 1 बजे से 3 बजे तक, तो 2 घंटे आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही आप लोग मेरी 11 बजे की क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब मुझे लगता है कि भाई 10 नंबर के लिए आप लोग 2-3 घंटे बहुत आराम से आपको पढ़ना ही चाहिए, बहुत मायने रखते हैं। चलिए सो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो ये बुक यहाँ पे सिद्धार्थ की है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कार्ल बर्थ के संस्थापक कौन है, कार्ल बर्थ के संस्थापक कौन है। चलिए आज अगर बीच में नेट की प्रॉब्लम हो ना, कुछ नेट की प्रॉब्लम चल ही रही है, तो ना रिफ्रेश करते रहना, ठीक है, क्लास ऑफ नहीं होगी, हल्की सी कुछ बफरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप रिफ्रेश कर लेना। चलिए सो बताएंगे यहाँ पे किसने की है, जेकब क्रिस्टियन
जेकब क्रिस्टियन जेकब सेन ने की है, जेकब क्रिस्टियन जेकब सेन ने इसकी स्थापना की है। क्लियर? चलिए सो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में। देन भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है, कौन सा उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है बताएंगे। और आज आपके 60 प्लस क्वेश्चंस हैं, क्लास में बने रहना, आज आपके 60 प्लस क्वेश्चंस हैं और ज़्यादा स्पीड से नहीं कराऊंगी, आप लोग बड़ा शिकायत करते हैं। चलिए देखो, अगर हम नामेरी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं कहाँ पे है, यह है असम में, ठीक है। यदि हम जिम कॉर्बेट की बात करते हैं सो फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में बनाया गया था 1936 में, याद रखिएगा, ठीक है। और भारत में सबसे पहला टाइगर रिजर्व 1973 में बनाया गया था, जिम कॉर्बेट को ही बनाया गया था। क्लियर? राजा जी नेशनल पार्क की बात करते हैं सो यह भी कहां पर है, उत्तराखंड में है। और दाचीगम की यदि हम बात करते हैं तो दाचीगम कहाँ पे है, यह है जम्मू कश्मीर में है, जो कि हंगुल हिरण के लिए जाना जाता है, ठीक है। होता है ना कि फेमस होना, सो हंगुल हिरण जो कि हमारे भारत के नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं वह आपको दाचीगम नेशनल पार्क में देखने के लिए मिलेंगे। सो कभी कभी आप लोगों से सिर्फ इतना ही पूछ लिया जाता है कि हंगुल हिरण के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है, सो दाचीगम। बाकी जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पे किश्तवाड़ा नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क है, ठीक है, इनके बारे में याद रखिएगा। चलिए सो भाई आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन में। द नेक्स्ट है हमारा कि मंडजस एक लोक नृत्य है जो डैश राज्य से संबंधित है, बताएंगे किस राज्य से यह है संबंधित है, जो कि एक लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है। अब पूर्व राजवंश, कितना फास्ट पढ़ोगे यहां, चलिए बताएंगे यहाँ पे किस राज्य से संबंधित है। यदि हम इसकी बात करते हैं तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है, किससे, जम्मू कश्मीर से यह संबंधित है। जम्मू कश्मीर को पहले आर्टिकल 370 के तहत एक स्पेशल राज्य का दर्जा मिला हुआ था, लेकिन बाद में इसे 31 अक्टूबर 2019 में भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यूनियन टेरिटरीज को बना दिया गया, ठीक है। और वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8 है। जम्मू कश्मीर की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे थे वह गिरीश चंद मुर्मू रहे थे, और यदि वर्तमान समय में हम लोग बात करें तो मनोज सिन्हा वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, ठीक है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं यहाँ पर राज्यपाल नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। तुम लोगों का ना पेपर का कबूतर बना करके ना मैं छत से ऊपर फेंकूंगी, सीधा ऊपर से नीचे, शांति से चुपचाप से पढ़ते रहो, ठीक है, फास्ट मत करो, चुपचाप से शांति से पढ़ते रहो। चले आगे बढ़ते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक जो कि है किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा, बहुत अच्छे, किसके द्वारा, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए निम्नलिखित राजाओं में से सांची स्तूप का निर्माण किसने किया है, सांची स्तूप का निर्माण किसने किया है यह आप लोगों को बताना है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इसका निर्माण हुआ है, ठीक है, निर्माण हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, रायसेन जिले में यह भाई स्थित है, और यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है, बौद्ध धर्म से यह संबंधित है। अच्छा एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ, यदि मैं सांची स्तूप की बात करती हूँ तो यह भारत की विश्व धरोहर स्थल में से एक है, भारत की विश्व धरोहर स्थल में से एक है, आपको बताना है कि इसे किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, ठीक है। और आपके जनरल अवेयरनेस के अंदर जो कि टूरिज्म प्लेस है भारत के अंदर
उनसे भी क्वेश्चंस बनेंगे जिनमें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है विश्व धरोहर स्थल के बारे में याद करना। भाई सभी के सभी टूरिस्ट प्लेस ही तो हैं, ठीक है, तो उनके बारे में 38 हैं, 38 के 38 नाम याद करना। या फिर YouTube पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें कि मैंने एक नहीं है शायद 3-4 पार्ट में है क्लास, तो मैंने कराया था। इतना मत भूला कीजिए, ठीक है। चलिए, अशोक ने इसको बनवाया था, काफी ये आसान रहा था आप लोगों के लिए। लेकिन विश्व धरोहर स्थल में इसको कब ऐड किया गया था? जैसे ही थोड़ा सा लेवल में टफ करती ना, तब आप लोग की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। और ये अच्छा ब्लेम कर रहे हो, भूल आप खुद जाते हो और बोल रहे हो कि मेरी आवाज से भूल जाते हो। चलिए यहाँ पे 1989, ठीक है, अर्जुन आपका सही था, बाकी सब लोगों में से कुछ बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। चलिए, समीर मदन और मोहनलाल किससे संबंधित है? यहाँ पे आपको चार वॉर के नाम आपको दिए गए हैं, आपने बताना है कि किससे संबंधित है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की बात करते हैं, तो इस वॉर की यदि बात की जाए तो यह आपका चला था कुछ 1776 के करीब, यह आपका चला था वॉर जो कि स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और यदि हम बैटल ऑफ बक्सर की बात करते हैं, तो बक्सर कब हुआ था? यह हुआ था 1764 में, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासे की बात करते हैं तो 1757 में हुआ है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, तो यह कब हुआ था? 1775 में हुआ था, 1775 में हुआ था। आई एम नॉट तानसेन, मैं तानसेन नहीं हूँ। चलो बताएंगे तो किससे यह संबंधित है, किससे? ओके, आप लोगों का गलत है। यदि मैं इनकी बात करती हूं तो भाई यह है यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी से यह है भाई संबंधित है, ठीक है। यदि इनकी बात की जाए तो किससे, यह आपके प्लासी के युद्ध से संबंधित है, याद रखिएगा, जिसमें कि जो कि सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था, ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव, इनके बीच में यह युद्ध हुआ था बैटल ऑफ प्लासी का। तो सिराजुद्दौला के दो बहुत ही वफादार कमांडर थे, ठीक है, और उन दोनों का नाम था मीर मदन और मोहन लाल, ठीक है, जिन्होंने कि इस युद्ध में उसकी बहुत मदद की थी। तो ध्यान रखिएगा यह है बैटल ऑफ प्लासी से संबंधित है, और बैटल ऑफ प्लासी नवाब ऑफ बंगाल ठीक है, एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच में यह भाई यहां पर हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अप्रैल 2020 में BWF के IM बैडमिंटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर यहां पर के रूप में किसको नामित किया गया है? बताएंगे किसको नामित किया गया है। अखिलेश जी चुपचाप से आंसर कीजिए और पढ़ाई कीजिए। चलिए बताएंगे आंसर करके क्या हो जाएगा। देखो यदि हम बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, BWF मतलब कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म है, और कुआलालंपुर में इसका मुख्यालय है। BWF विश्व में सबसे बड़ी बैडमिंटन की प्रतियोगिता का आयोजन कराता है। और आपको याद भी होगा कि लास्ट में जब 2019 में BWF वुमेन्स की प्रतियोगिता हुई थी तब हमारे भारत से पीवी सिंधु ने इसको जीता था और पीवी सिंधु फर्स्ट इंडियन बन गई इस प्रतियोगिता को जीतने वाली, ठीक है। सीधा इन्होंने यहां पर गोल्ड जीता था इस प्रतियोगिता के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। और जो यहां पर IM बैडमिंटन लोगों को बैडमिंटन के प्रति जागरूक करने के लिए, उनके अंदर रुचि बढ़ाने के लिए बैडमिंटन के लिए पीवी सिंधु को बनाया गया है, क्योंकि भाई फैन फॉलोइंग की बात करें सो पीवी सिंधु की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। सो अच्छा, आप लोग मुझे पीवी सिंधु का पूरा नाम लिख करके बताओ, पूरा नाम क्या है इनका? मैंने शॉर्ट में लिखा है
आप लोग मुझे पूरा नाम बताइए। बाकी पीवी सिंधु की बात करते हैं तो इनका जन्म तेलंगाना में हुआ है, ठीक है। लास्ट टाइम जो कि ओलंपिक गेम हुए थे आपके 2016 में रियो डी जेनेरियो में, वहां पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और भारत के फेवर में बैडमिंटन में हाईएस्ट पदक जीतने वाली पहली महिला पीवी सिंधु बन गई हैं। बल्कि पुरुषों में भी बात करें तो पीवी सिंधु पहली भारतीय बन गई जिन्होंने ओलंपिक गेमों में बैडमिंटन में हाईएस्ट पदक सिल्वर मेडल जीता था। हैरी पॉटर पैर दर्द कर रहे हैं मेरे, इतने फास्ट में कैसे चलूं बताओ। पुसरला वेंकट सिंधु, पुसरला वेंकट सिंधु इनका पूरा नाम है, पुसरला वेंकट सिंधु पूरा नाम है इनका। चलिए सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अंतरराष्ट्रीय संगठन डैश का संक्षिप्त नाम ICAO है, बताएंगे। मतलब आप लोगों को ICAO की फुल फॉर्म बतानी है, इन चारों पर विचार कीजिए और बताइए फुल फॉर्म क्या है। नो आइडिया, अच्छा जी चलिए सो बताएंगे कि फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म बताओ। ICA इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपका बी ऑप्शन में यहां पर दिया गया है। क्या हो जाएगा बी ऑप्शन में जो कि आप लोगों को दिया गया है आंसर, यह है आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि हम इसकी बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1947 में की गई थी और इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है, ठीक है। इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में है, ठीक है। यह कनाडा का शहर है क्योंकि कनाडा की जो कि राजधानी है वह क्या है, ओटावा, ठीक है। कनाडा की जो कि राजधानी है क्या है, ओटावा है, और मॉन्ट्रियल जो कि शहर है कनाडा का, वहां पे इसका मुख्यालय है, ठीक है। चलिए सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का अक्षांश निकटतम डैश मिनट है, ठीक है। यदि हम हमारे भारत के अक्षांश और देशांतर विस्तार की यदि हम बात करें, अक्षांश और देशांतर विस्तार की बात करें, तो आप मुझे चारों का ही मिनट में बताएंगे कि आंसर क्या होगा। जल्दी से ओके अभिलाषा, आप जरा अब जो मैं क्वेश्चन पूछी चुपचाप से आंसर करो उनकी। मुझे चारों के नाम बताओ कि कौन सा कितनी डिग्री पर पड़ता है। बिल्कुल सही है, यहाँ पे जो आंसर है आप लोगों का क्या हो जाएगा, 37 degrees 6 minutes, 37 degrees 6 minutes यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 37 degrees 6 minutes हो गया। नीचे बात करते हैं, 8 degrees 4 minutes हो गया। यहाँ की यदि हम बात करते हैं तो क्या बनेगा आपका, 68 degrees 7 minutes, 68 degrees 7 minutes। और यदि हम पूर्वी देशांतर की बात करते हैं तो 97 degrees 25 minutes, ठीक है, याद रखना। एक और बस एक चीज और, यहाँ से यहाँ तक हमारे भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितने किलोमीटर है, ठीक है। एंड आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, मतलब कि आपकी पूर्व से पश्चिम की डिस्टेंस कितनी है और आप लोगों को उत्तर से दक्षिण की डिस्टेंस कितनी है, उत्तर से दक्षिण की डिस्टेंस कितनी है बताओ, दोनों का आंसर करो। चलो दोनों का आंसर करो। अरे भाई मैं चीजें बता तो रही हूँ ना, ये चीजें मतलब आई नो कि ये बहुत आसान है लेकिन जनरल अवेयरनेस में ये बेसिक सी चीजें हैं जो कि आपको एक रिविजन आपका होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। यदि हम बात करते हैं पूर्व से पश्चिम की तो 2933 किलोमीटर, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर की तो कितना होगा, 3214, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था। नॉर्मली आप जानते हैं कि सत्यमेव जयते हमारे मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो आपने अब ये बताना है कि इसका नारा दिया किसने था, मोहम्मद इकबाल, बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चटर्जी या फिर पंडित मदन मोहन मालवीय, बताएंगे। धीरे धीरे पढ़ाइए, कभी कभी मुझे ऐसे फीलिंग आती है कि मैं बहुत तेज दौड़ रही हूँ फिर एकदम से मैसेज आता है धीरे पढ़ाइए, फिर ब्रेक लगता है, फिर बोलते हैं तेज पढ़ाइए, फिर मैं फास्ट,
चलो, वैसे मेरी एवरेज स्पीड है ना बहुत फास्ट है ना बहुत कम है। चलिए बताएंगे आंसर करके क्या हो जाएगा, किसने दिया है। ध्यान रखिएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय ने, जिसे कि BHU की स्थापना के लिए भी जाना जाता है, ठीक है, 1916 में। क्लियर, यहाँ पे यहाँ पे मदन मोहन मालवीय, और इन्हें 2014 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है, मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया था 2014 में। क्लियर, चलिए, और द लीडर नामक इंग्लिश न्यूज़पेपर इन्होंने पब्लिश किया था। ओके, धन्यवाद। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पहले भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता में से एक रहे हैं। अब जो बच्चे बोलते हैं ना कि बहुत फास्ट पढ़ाओ, वो इन चारों के बारे में ही मुझे बताएंगे कि किसको किस वर्ष नोबेल भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। चैलेंज आपके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं, जो बाकी चीज़ें आपको दिखती हैं ना उनको भी आप लोग लिखा किया कीजिए, ठीक है। चलिए, सो बात करते हैं सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी की, मतलब कि हमारे हम अपने चाचा जी की बात करते हैं। चाचा जी को 1955 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। CV रमन की बात करते हैं 1954 में। राजेंद्र प्रसाद की यदि हम बात करते हैं तो इन्हें 1982 में शायद 1962 में दिया गया था, 82 में नहीं 62 में दिया गया था, 62 में। और मदर टेरेसा की बात करते हैं सो इन्हें 1980 में दिया गया था, क्योंकि मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के लिए, तो जस्ट नेक्स्ट ईयर ही फिर इनको भारत रत्न दे दिया गया था। ये 1930 वाले कौन है भाई? भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत ही 1954 में हुई है, लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी उस समय यह मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, ठीक है। इसके मरणोपरांत की शुरुआत जो हुई है वह लाल बहादुर शास्त्री जी से हुई है। लाल बहादुर शास्त्री जी पहले व्यक्ति हैं जिन्हें की मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। अब यदि हम इनमें बात करते हैं तो आंसर क्या होगा? सीवी रमन, ठीक है, सीवी रमन यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। 1930 में सीवी रमन को फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में नरगिस दत्त, जो कि संजय दत्त की मम्मी जी हैं, तो पुरस्कार किसे दिया गया था, बताएंगे किसको दिया गया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से नरगिस दत्त पुरस्कार किसे दिया गया था? स्वास्थ्य मनोरंजन पर आधारित फिल्म है ना, राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया गया था। सो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, बी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चंस में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, चलिए। बाकी नरगिस दत्त के बारे में ध्यान रखना कि मतलब एक्ट्रेस है, एक बता दिया मैंने आप लोगों को, सुना भी होगा आप लोगों ने नाम इनका। और नरगिस दत्त पहली एक्ट्रेस है, फर्स्ट एक्ट्रेस है, मतलब कि पहली अभिनेत्री है, फर्स्ट एक्ट्रेस हैं जिन्हें कि 1958 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये पॉइंट पूछा जा चुका है आप लोगों से, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत में सबसे पहली भारतीय अभिनेत्री कौन सी हैं जिन्हें कि पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो किसको दिया गया था, यहाँ पर नरगिस दत्त को दिया गया था सबसे पहली बार 1958 में, ठीक है, 1958 में दिया गया था। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देन नेक्स्ट है कि प्रोफेसर जिन्होंने 2019 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता, वह अब तक का सबसे पुराना नोबेल पुरस्कार विजेता है। सबसे पुराना नोबेल पुरस्कार विजेता, इट मीन्स कि उन्हें सबसे ज्यादा उम्र में नोबेल पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है विज्ञान के केमिस्ट्री के फील्ड में, तो बताएंगे वह व्यक्ति कौन है। यदि मैं उनकी बात करूं तो उन्हें 97 वर्ष की उम्र में वर्षीय उनको दिया गया है केमिस्ट्री के अंदर नोबेल पुरस्कार, और वह कौन है,
जॉन गुडेनफ कौन है? जॉन गुडेनफ इनका नाम है, ठीक है, याद रखिएगा, जॉन गुडेनफ इनका नाम है। आगे बढ़ते हैं, 2008 में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन बने हैं? ये बात की जा रही है ओलंपिक गेम्स के बारे में, ओलंपिक गेम जो कि 2018 में आयोजित हुए थे बीजिंग में, यहाँ पर एकमात्र भारतीय जिन्होंने की व्यक्तिगत तौर पर गोल्ड जीता था और उन्होंने शूटिंग के अंदर गोल्ड जीता था, उनका नाम क्या था? अभिनव बिंद्रा। बहुत अच्छे, क्या नाम था? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा बेसिकली बिलोंग करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड से, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। और अभिनव बिंद्रा सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जिन्हें की राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, मात्र 18 वर्ष की उम्र में इनको दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, द नेक्स्ट है हमारा आगे यहाँ पे कि अवर इम्पॉसिबल लव इसके लेखक कौन है? बताएंगे कौन है इसके लेखक, कौन है इसके लेखक? बुक्स, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बुक्स के बारे में लिखते रहिएगा आप लोग। दुर्जोय दत्ता, ठीक है, ध्यान रखना, दुर्जोय दत्ता की यह है बुक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2019 प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया गया था? यदि हम प्रवासी भारतीय दिवस की बात करते हैं तो बिल्कुल यह 9 जनवरी को मनाया जाता है, जिसे कि NRI डे भी कहा जाता है, मतलब कि नॉन रेजिडेंस इंडियन, ऐसे व्यक्ति जो भारत में नहीं रहते हैं उनके लिए यह मनाया जाता है, ठीक है। इसकी माना जाता है कि भाई इस दिन 1915 में गांधी जी वापस भारत लौटे थे साउथ अफ्रीका से, ठीक है, तो उनकी इस याद में मनाया जाता है बाकी लोगों को भी समर्पित करते हुए। और 2019 में यह वाराणसी में मनाया गया था और 2020 में भी वाराणसी में इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? यदि हम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करते हैं तो इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ठीक है कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1957 में हुई है, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट अवार्ड जो कि दिया गया था वह 1958 में दिया गया था, जो कि विनोबा भावे को दिया गया था। और आप सभी ने विनोबा भावे के बारे में इतिहास में अगर पढ़ा हो तो कि विनोबा भावे गांधी जी के प्रिय शिष्य थे और व्यक्तिगत के सबसे पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। इसके बाद भूदान आंदोलन जो कि 1951 में किया था तेलंगाना के क्षेत्र में, वह भी विनोबा भावे ने ही किया था, ठीक है, और अपने कार्यों के लिए इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अभी जो कि लास्ट इंडियन रहे हैं वह रविश कुमार जो कि NDTV के संपादक हैं, इनको भाई यहाँ पर दिया गया था, याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए सो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन में। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था, जिसे कि 26 जनवरी 2021 में अवार्ड दिया गया था? बताएंगे यहाँ पे आंसर करके क्या हो जाएगा आपका आंसर? जी बिल्कुल अखिलेश जी, आप कल भी क्लास में थे, वैसे मुझे याद है, मैं नाम ना लूँ लेकिन मैं पहचान लेती हूँ फिर भी बच्चों को। अपनी जो क्लास है डेली 1 बजे चल रही है फिलहाल, तो आप लोग 1 बजे क्लास से जुड़ जाया कीजिए, जो कि 3 PM तक हम लोग क्लास को करेंगे, 2 घंटे की क्लास है, बट आप लोगों के हा हुल्ला में पहले ही छोड़नी पड़ती है। बताएंगे क्या थीम थी? बिल्कुल सही है, मैंने आप लोगों को बताया भी था इसके बारे में, जल्दी से बताओ आंसर। अयोध्या, कल ही बताया था ना मैंने कि झांकी का फोटो मेरे पास फिलहाल नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाती,
कि झांकी जो कि निकाली गई थी उसमें आगे वाल्मीकि जी बिठाए हुए थे, उनका स्टैचू बनाया हुआ था जो कि रामायण लिखते हुए दिखाई पड़ रहे थे, पीछे राम मंदिर बनाया गया था, ठीक है। और अयोध्या और उत्तर प्रदेश की सांस्कृति विरासत को दर्शाया गया था इस के माध्यम से, ठीक है। अच्छा, इस बार चीफ गेस्ट कौन थे, क्या आप लोग बताएंगे? देखते हैं कितने बच्चे करंट अफेयर पढ़ते हैं। इस बार चीफ गेस्ट कौन थे भारत के, बताएंगे? इस बार भारत के चीफ गेस्ट कौन थे, चीफ गेस्ट कौन थे इस बार हमारा, जो कि यहाँ पर 42 मतलब कि 72वें नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया था, कौन थे हमारे चीफ गेस्ट इस बार? आंसर कीजिए भाई। इस ओके राहुल पटेल, कोई बात नहीं, मुझे लग रहा फास्ट वाले बच्चे तो गए, ये तो वो तो गयो। अरे वाह अभिलाषा, हमें लगा कि गए, और हैरी पॉटर तो गए फास्ट वाले। चलिए सुनाएंगे यहाँ पे मालगुड़ी डेज, भाई बहुत पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है इसके बारे में, मालगुड़ी डेज एसएससी में भी बहुत बार पूछा गया है। सूरीनाम के राष्ट्रपति को इन्वाइट किया गया था लेकिन कैंसिल कर दिया गया था, मतलब कि कोविड-19 की वजह से इस बार कोई भी चीफ गेस्ट नहीं थे। चलिए, सो नो वन इज देयर ऑन 26th रिपब्लिक डे इन 2021। चलिए, सो आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे। ये किसकी बुक है, यह है आर के नारायण, आर के नारायण, जो कि डी ऑप्शन में आपको दिया गया है। चलिए, अगस्त 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को डैश से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और साथ ही ये भी बताना कि इन्होंने एक रेस्क्यू, चलिए मैं ही बता देती हूँ, इन्होंने एक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चलाया गया था हमारे भारत से पाकिस्तान के जो कि सीज फायर करते हैं उनको सबक सिखाने के लिए। सो उसमें अभिनंदन वर्तमान का जो कि प्लेन था MiG-21 वह क्रैश हो गया था जिसकी वजह से इनको पकड़ लिया गया था, बट आई थिंक 2 दिन के अंदर अंदर ही इनको छोड़ दिया गया था, रिहा कर दिया गया था। और फिर इन्हें कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था हमारे भारत में, वीर चक्र, ठीक है, याद रखिएगा, वीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया था, जो कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा, वीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया था, अच्छे से याद रखना। कुछ बच्चे बोलते हैं परमवीर चक्र तो कुछ कीर्ति चक्र, कीर्ति चक्र नहीं है, वीर चक्र है, वीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया था। सो आगे बढ़ते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय और फर्स्ट इंडियन वुमेन दोनों ही, अब ये मत बोलना क्वेश्चन आसान है, ये जनरल अवेयरनेस का हिस्सा है तो कराना तो बनता ही है। चलिए, सो बात करते हैं यहाँ पे कौन है, राकेश शर्मा और फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात करते हैं। सो यह कौन है, कल्पना चावला, कल्पना चावला, ठीक है। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं कि 1996 में प्रोजेक्ट नन्ही कली की स्थापना किसने की थी, प्रोजेक्ट जो कि नन्ही कली यहां पर चलाया गया था 1996 में, इसके संस्थापक कौन थे, यह आप लोगों को बताना है, बताएंगे इसके संस्थापक कौन थे। आंसर कीजिएगा, चलिए, यदि हम इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं सो यह है महिलाओं की सुरक्षा, मतलब कि यह है जो कि किशोर अवस्था में जो कि बच्चियां होती हैं उनके ग्रोथ के लिए यहाँ पर इसको चलाया गया था, मतलब कि उनकी सुरक्षाओं के लिए, बालिकाओं की सुरक्षाओं के लिए इसको चलाया गया था। एंड यह आनंद महिंद्रा ने चलाया था, किसने, आनंद महिंद्रा ने, जो कि आपका ए ऑप्शन में दिया गया है। किस निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध कलात्मक आंदोलन क्यूबिज्म के सह संस्थापक हैं, क्यूबिज्म जो कि एक फेमस कला यहाँ पे कलात्मक आंदोलन रहा है, इसके संस्थापक जरा बताइएगा कि इसके सह संस्थापक यहाँ पर कौन रहे हैं, इसके सह संस्थापक कौन रहे हैं, यह आप लोगों को बताना है आंसर करके।
चलिए कौन रहे हैं यह आप लोगों को बताना है, कौन रहे हैं, कौन यहाँ पर रहे हैं। बिल्कुल सही है, यदि हम बात करते हैं तो कौन है यहाँ पे, यहाँ पे है पाब्लो पिकासो, पाब्लो पिकासो, ठीक है। उसके बाद लियोनार्डो दी विंची को जानते हैं, लियोनार्डो दी विंची, लियोनार्डो दी विंची किस लिए जाने जाते हैं बताओ, लियोनार्डो दी विंची जो कि इटली के रहने वाले हैं, इनको किस लिए जाना जाता है, लियोनार्डो दी विंची जो कि इटली के रहने वाले हैं इनको किस लिए जाना जाता है, अपनी किस पेंटिंग के लिए, मोनालिसा की पेंटिंग के लिए जाना जाता है, ठीक है, मोनालिसा की पेंटिंग के लिए इनको जाना जाता है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, भारतीय अमेरिकी अभिजीत बनर्जी ने एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है बताएंगे। लास्ट टाइम इन्होंने 2019 में नोबेल पुरस्कार जीता है अभिजीत बनर्जी, जो कि भारतीय मूल से मूल रूप से यह भारतीय रहे हैं और अब इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ली है, ठीक है। यदि हम यहाँ पे एस्थर डुफ्लो की बात करते हैं, सो वह इनकी धर्म पत्नी है, वह इनकी धर्म पत्नी है और इन्हें इकोनॉमिक्स, किसमें, इकोनॉमिक्स में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अच्छा ये बताइए कि हाउ मैनी इंडियंस गॉट नोबेल अवार्ड इन इकोनॉमिक्स, अगर यदि हम बात करें इकोनॉमिक्स में तो हमारे भारत से कितने लोगों को हम, या फिर कह लीजिए कि कितने भारतीयों को इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, उनके नाम मुझे आप बताइए जल्दी से, उनके नाम बताइए कि वह कौन है। चलिए बताएंगे आंसर करके, कितने भारतीयों को इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। परीक्षा बिल्कुल सही है, दो, एक तो है कौन, अमर्त्य सेन, जिन्हें कि 1998 में दिया गया था, 1998 में मिला था उनको, और अब लास्ट टाइम 2019 में अभिजीत बनर्जी को मिला है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना मूल रूप से भारतीय हैं बट नागरिकता इनके पास अमेरिका की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है कब, किस वीक यह आपका मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ जो कि वन्य जीव है उनके संरक्षण के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए यह मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा ये बताएंगे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत में कब आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत में कब आया था ये आप लोग बताओ, मतलब कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत में अधिनियम कब लाया गया था, याद रखना 1972 में, ठीक है। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब लाया गया था, 1973 में, और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अधिनियम 1972 में लाया गया था, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन में, मनिका बत्रा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया है। मनिका बत्रा बेसिकली यह बिलोंग करती हैं कहाँ से, दिल्ली से बिलोंग करती हैं, दिल्ली से बिलोंग करती हैं और यह टेबल टेनिस खेलती हैं, टेबल टेनिस यह है खेलती हैं। और यदि हम बात करें एशियन गेम्स ठीक है एंड कॉमनवेल्थ गेम्स में इनकी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इनकी रही है मनिका बत्रा की, और इन्हें टेबल टेनिस में इन्हें अभी लास्ट टाइम 2020 में जो कि 5 लोगों को भारत राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया है वह इनको अवार्ड दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यदि हम भारत में बात करें कि हमारे भारत में खेल जगत में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है, सो वह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। लास्ट टाइम यह है 5 लोगों को दिया गया है जिसमें से 3 महिला और 2 पुरुष, ठीक है, एक तो मनिका बत्रा हो गई एंड एक रानी रामपाल एंड थर्ड विनेश फोगाट, उसके बाद रोहित शर्मा एंड मरियप्पा थंगवरम, इन 5 को दिया गया था। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में पहले 7.5 लाख रुपए प्राइज मनी दी जाती थी, लेकिन 2020 से इसके अंदर 25 लाख रुपए प्राइज मनी कर दी गई है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि बिकमिंग एक पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है बताएंगे,
किसके द्वारा लिखी गई है, आंसर कीजिएगा। किसके द्वारा भाई यह है लिखी गई है, यह आप लोगों को बताना है किसके द्वारा यह है लिखी गई है, बताएंगे बताएंगे किसके द्वारा यह लिखी गई है। चलिए बताएंगे आंसर करके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी कमिंग की यदि हम बात करते हैं तो यह मिशेल ओबामा, यह मिशेल ओबामा की बुक है, याद रखिएगा। ठीक है, मिशेल ओबामा की बुक है और बराक ओबामा की एक बुक के बारे में और याद रखिएगा, प्रॉमिस्ड लैंड। ठीक है, ए प्रॉमिस्ड लैंड बुक है किसकी, बराक ओबामा की, जो कि फॉर्मर राष्ट्रपति रहे हैं किसके, अमेरिका के। ठीक है, वर्तमान समय में जो बाइडन जो कि हैं वह अमेरिका के 47 नंबर के यहाँ पर राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में कि वाई आई एम ए हिंदू यह किसकी बुक है, वाई आई एम ए हिंदू यह बुक किसकी है, यह आप लोगों को बताना है, यह किसकी बुक है, यह आप लोगों को भाई बताना है किसकी यह बुक है, किसकी बुक है यह आप लोग बताएंगे आंसर करके, किसकी बुक है। जॉय बाइडन के बारे में याद रखना 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, 46 नंबर के राष्ट्रपति हैं जो कि वर्तमान समय में यूएसए के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, 46 नंबर के हैं, 45वें नंबर के डोनाल्ड ट्रंप एंड 44th नंबर के बराक ओबामा रहे हैं। चलिए वाई आई एम हिंदू की बात करते हैं तो किसकी है, यह शशि थरूर की बुक है, किसकी है, शशि थरूर की बुक है और इसी बुक के लिए शशि थरूर को 2019 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है यह बताएंगे और किस वर्ष व्हाट्सएप की स्थापना की गई थी आप लोग यह भी बताएंगे, किस वर्ष व्हाट्सएप की स्थापना की गई थी आप लोगों ने यह भी बताना है इसके बारे में, किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी, किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान समय में व्हाट्सएप के जो कि ओनर कंपनी है वह फेसबुक है। ठीक है, फेसबुक ने खरीद लिया है व्हाट्सएप को और व्हाट्सएप की यदि हम लोग बात करते हैं तो कौन है इसके, बताएंगे कौन है इसके। जी बिल्कुल, 2009 में, बिल्कुल सही बात है, यदि हम बात करते हैं 2009 में इसकी स्थापना की गई है, 2009 में इसकी स्थापना की गई है और कौन है यहाँ पे, जान कौन, कौन है, यह है जन कॉम, कौन है जन कॉम यहाँ पर है और एक है ब्रियन एक्टन, एक है यहाँ पे ब्रियन एक्टन, इन दोनों ने मिलकर के स्थापना की है, मतलब व्हाट्सएप का आविष्कार किया है इन दोनों ने मिलकर के, सो ये याद रखना, क्लियर है। लैरी पेज आपके गूगल के आते हैं, ठीक है, यदि हम लैरी पेज की बात करते हैं सो यह गूगल के संस्थापकों में से एक आते हैं और यदि हम यहाँ पे जैक डोर्से की बात करते हैं सो यह ट्विटर के हैं, किसके हैं, ट्विटर के हैं, मार्क जुकरबर्ग के बारे में जानते ही हैं, फेसबुक किसके हैं, फेसबुक के हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जैक डोर्से आपके ट्विटर के संस्थापक हैं और लैरी पेज गूगल एंड यह आपके व्हाट्सएप। चलिए सो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में, चलिए सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, किस भारत रत्न प्राप्तकर्ता के जन्मदिन को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताएंगे किसके जन्म दिवस को मनाया जाता है, बताएंगे किसके जन्म दिवस को यहाँ पर मनाया जाता है, बल्कि आप लोगों को वैसे चारों के बारे में ही बताना चाहिए, आपको चारों के बारे में ही बताना चाहिए, यहाँ पे चारों के बारे में। देखो सीवी रमन की यदि हम बात करते हैं, सीवी रमन की यदि हम बात करते हैं, विश्वरी, ओके बिल्कुल सही कहा। वैसे आप लोग ये बताओ सच में आप लोगों ने हिंदी में पढ़ करके पहचान लिया था कि अभियंता किसको कहा जाता है, अभियंता इंजीनियर्स को कहा जाता, तभी मैं सोचूं इतनी जल्दी आंसर कैसे आने लग गया आप लोगों का, आप लोगों ने अभियंता कैसे पहचान लिया, अभियंता होते हैं इंजीनियर्स,
ठीक है। और यहाँ पे यदि हम इंजीनियर्स की बात करते हैं तो एम विश्ववरैया, ठीक है, एम विश्ववरैया। और किस दिन मनाया जाता है आपका एम विश्ववरैया, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे सी वी रमन के बारे में देखना, इन्होंने 1928 में इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसीलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में, जिनका जन्म 15 अक्टूबर को हुआ था, क्या मनाया जाता है इस दिन, यह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, मतलब कि वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में यह मनाया जाता है। क्लियर है, एम विश्वरैया के रूप में आपने बताया नहीं, 15 सितंबर, बिल्कुल सही बात है, 15 सितंबर, क्लियर। और इससे पहले एक दिन पहले ही 14 सितंबर को, 14 सितंबर की यदि बात की जाए तो 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना आप लोग, क्लियर है, ठीक है। चलिए अच्छा यहाँ पे ये देखना आपका, सॉरी ये वर्ल्ड स्टूडेंट डे तो आपका 17 नवंबर को मनाया जाता है, नेशनल आएगा, इसको करेक्ट कर लेना जरा, नेशनल स्टूडेंट डे मनाया जाता है 15 अक्टूबर को और 17 नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट डे मनाया जाता है आपका 17 नवंबर को, ठीक है, 17 नवंबर को मनाया जाता है, इन दोनों में देख लेना, 15 को नेशनल राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन में, द नेक्स्ट है हमारा कि पुस्तक स्टोरी सो फार इस बुक के लेखक कौन है, जी बिल्कुल जीआरडी टाटा, फर्स्ट इंडियन पायलट। चलिए आंसर कीजिएगा शरण, बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप लोग आंसर करके मुझे बताएं कि भाई क्वेश्चन का आंसर यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर बताना है आप लोगों को, कि अपना आंसर भाई यहां पर हो जाएगा यह आप लोगों को बताना है, आंसर कीजिएगा। संदीप मिश्रा, बहुत अच्छे, किसकी है, यह है संदीप मिश्रा की, सो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज दी सही आंसर। आज की क्लास में आप लोग को बुक से ही ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, सॉरी, चलिए। So, विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है कब, वर्ल्ड लिटरेसी डे आपका कब मनाया जाता है, आंसर कीजिएगा, कब मनाया जाता है वर्ल्ड लिटरेसी डे, 8 सितंबर, कब 8 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए सो आगे बढ़ते हैं, भारत में किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, बाल दिवस के रूप में किस नेता के जन्मदिन को मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। देखो यदि हम बात करते हैं महात्मा गांधी, 2 अक्टूबर, तो इस दिन मनाया जाता है, इस दिन मनाया जाता है किस रूप में, अहिंसक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, नॉन वायलेंस डे के रूप में यह मनाया जाता है, वॉइस बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्ण, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, सॉरी 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में, ठीक है। राजीव गांधी की बात करते हैं तो इनकी जिस दिन हत्या हुई थी 21 मई को आतंकवाद निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, आतंकवाद निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन इनकी 21 मई 1991 को इनकी हत्या की गई थी उस दिन को, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है चाचा जी के, ठीक है। डेट और बता दीजिए, बस डेट कौन सी है, डेट और बता दीजिए, डेट क्या आपकी होगी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही है, चाचा जी के जन्म दिवस को यहाँ पे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, आंसर कीजिएगा। चलिए किस दिन मनाया जाता है,
किस दिन मनाया जाता है बताओ? 14 नवंबर, बिल्कुल सही है, 14 नवंबर, 14 नवंबर को, ठीक है, उनका जन्म 14 नवंबर को हुआ था 1889 में प्रयागराज में, ठीक है, 14 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल चिल्ड्रंस डे। चले सो आगे बढ़ते हैं कि भाषा डोगरी के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? भाषा डोगरी की यदि हम बात करते हैं तो रामनाथ शास्त्री को जाना जाता है। अब ये बताएंगे कि डोगरी किस राज्य की मुख्य भाषा है, किस राज्य की मुख्य भाषा है यह आप लोग बताएंगे, किस राज्य की मुख्य भाषा है यह आप लोगों को बताना है, किस राज्य की मुख्य भाषा है यह आप लोगों को बताना है। डोगरा से डोगरी भाषा नहीं बनती है, ठीक है, ये डोगरा से डोगरी भाषा नहीं बनती है। रामनाथ शास्त्री जाने जाते हैं डोगरी भाषा के जनक के रूप में। और डोगरी भाषा किस राज्य की मुख्य भाषा है ना? कमाल है ना, कमाल करते हो तुम लोग भी, डोगरी से ही डोगरा से आइडिया लगा लिया कि डोगरी का इसने आविष्कार किया होगा। वाकई में जुगाड़ो एक नंबर के होते हैं, बिल्कुल सही बात है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। चलिए सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, नेक्स्ट हमारा आ जाता है ए गेम चेंजर, ए होगा ए गेम चेंजर, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, बहुत पूछी गई है बुक्स, उन बुक्स के बारे में बहुत अच्छे से कवर करना। वैसे तो मैं इस वीक जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसमें मैं आप लोगों को कवर कराऊंगी ही, आज क्वेश्चंस कल से ज़्यादा रखे हैं, कल थोड़े से और क्वेश्चंस हम लोग रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बताना आप लोग यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, शाहिद अफरीदी, क्या हो जाएगा, शाहिद अफरीदी, ठीक है, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के जो कि खिलाड़ी हैं शाहिद अफरीदी, इनकी यह आत्मकथा है जो कि बहुत ही फूट फूट करके बाहर निकली थी इनकी आत्मकथा। चलिए आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान स्थित है कहाँ पे, ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूट है ना भारत के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके यूपी ट्रिपल एससी के लिए, एंड 100% आपका क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ से 100%, ठीक है, इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत अच्छे से कवर करना। सो चलिए बताएंगे यहाँ पे कि कहाँ पे है, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का, कहाँ पर है यह आप लोगों को बताना है, इसके बारे में कहाँ पर है यह आप लोगों को बताना है, बिल्कुल सही है, यदि हम इसकी बात करते हैं तो कहाँ पर है, हैदराबाद में है, ठीक है, ध्यान रखना कहाँ पर है, हैदराबाद में है। हैदराबाद अपना जाना जाता है चार मीनार के लिए जाना जाता है, यह हुसैन सागर झील के लिए जाना जाता है, ठीक है, जो कि एक हॉट शेप्ड लेक है, ठीक है, यह जाना जाता है और यह मूसी नदी के किनारे पर भी स्थित है, ठीक है, बाकी हैदराबाद की तेलंगाना की राजधानी है। क्लियर, सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में है, प्रसिद्ध रॉक गार्डन जहाँ पे कि छोटे छोटे पत्थरों को यूटिलाइज करके बहुत ही बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई गई हैं और काफ़ी ऐसे तो बना हुआ काफ़ी अच्छा है लेकिन अच्छी फीलिंग्स नहीं आएंगी आपको जाकर के वहाँ पे। एंड इसकी यदि हम बात करते हैं तो नेकचंद को जाना जाता है किसके लिए, रॉक गार्डन के निर्माण के लिए, और कहाँ बना हुआ है, यह चंडीगढ़ में बना हुआ है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में यह बना हुआ है। सो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे, डी ऑप्शन। चलिए फिर आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन में, डैश 1948 की भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी के कप्तान थे कौन, बताएंगे, जिन्होंने की ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता था, बताएंगे। यदि हम लोग बात करते हैं तो ओलंपिक गेम में टोटल हमारे भारत ने 28 मेडल जीते हैं, टोटल हमने 28 मेडल जीते हैं जिसमें से 9 हमने गोल्ड जीते हैं, 9 हमने गोल्ड, 7 हमने सिल्वर और 12 हमने ब्रॉन्ज जीते हैं। इन 9 गोल्ड में से हमने 8 अपने हॉकी के अंदर जीते हुए हैं और सबसे पहला हॉकी के अंदर गोल्ड हमने 1928 में जीता था, ठीक है, बाकी एक मैंने आपको अभी पढ़ाया ही था, एक गोल्ड जीता था 2008 में
अभिनव बिंद्रा ने, अभिनव बिंद्रा ने जीता था, अभिनव बिंद्रा ने जीता था। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ जरा, कौन थे उस समय, कौन थे? किशन लाल। बहुत अच्छे, कौन थे? किशन लाल थे, याद रखिएगा। कौन थे उस समय कप्तान की यदि हम बात करते हैं, राष्ट्रीय फील्ड हॉकी के जो कप्तान थे वह किशन लाल थे। कौन थे? किशन लाल थे। क्लियर है? किशन लाल थे, ठीक है, किशन लाल थे। सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, किशन लाल। चलिए सो आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रसिद्ध सहनाई वादक कौन है? भारत के प्रसिद्ध सहनाई वादक कौन है यह बताएंगे। वैसे आप लोग मुझे चारों के ही बारों में बताओगे। यूपी के एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में से एक है, ठीक है, चारों के बारे में बताओगे आप लोग मुझे। चारों ही यह किससे बिलोंग करते हैं, चारों ही यह किससे बिलोंग करते हैं? 1972 में नहीं, 1900 में जीता, हाँ 1972 में, सही कहा आपने। चलिए खैर यहाँ पे बताएंगे कौन है यह आप लोगों को बताना है, बताएंगे। भाई आंसर करके नहीं आराधना, पहले ही छोड़ देंगे, इतनी टेंशन में मत लो। चलिए भारत के प्रसिद्ध सहनाई वादक कौन है, यह है बिस्मिल्ला खान। कौन है? बिस्मिल्ला खान। उसके बाद रविशंकर की हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग? रविशंकर की बात करते हैं। सो भाई यह सितार से बिलोंग करते हैं, किससे? सितार से, ठीक है, किससे बिलोंग करते हैं? सितार से यह बिलोंग करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लतीफ खान की बात करते हैं। सो लतीफ खान जाने जाते हैं तबला के लिए, ठीक है, तबला के लिए भाई यह यहाँ पर जाने जाते हैं। उसके बाद हरी प्रसाद की यदि बात की जाए, हरी प्रसाद की बात की जाए, सो यह बांसुरी से बिलोंग करते हैं, यह बांसुरी से यहाँ पर बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चारों के बारे में ही लिख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के यूपी के एग्जाम के लिए ही। चले द नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी स्थित है कहाँ पर? सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी इज सिचुएटेड एट, कहाँ पर यह स्थित है यह आप लोगों को बताना है। यह कहाँ पर स्थित है यह आप लोगों को बताना है, इसके बारे में यह कहाँ पर स्थित है बताएंगे, कहाँ पर यह स्थित है यह आप लोगों को बताना है इसके बारे में, कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल सही, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। यहाँ पे इसका भी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है और भारत का नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ पर है ये भी बताएंगे। रेलवे म्यूजियम कहाँ पर है यह भी आप लोग बताएंगे, बताएंगे आंसर करके क्या हो जाएगा आप लोग का, रेलवे स्टाफ कॉलेज। और एक और चीज है कि भाई आप लोग इस क्लास के साथ साथ में, क्योंकि देखो 10 नंबर की बात है आप लोग की जनरल अवेयरनेस की, ठीक है, तो इस क्लास के साथ साथ में आप लोग मेरी 11 बजे की क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। ये क्लास भी बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी आप लोगों के लिए। इसमें मैं करंट की स्टैटिक भी करा रही हूँ साथ में, यहाँ पे तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें मैं करंट की स्टैटिक प्लस और भी क्वेश्चंस एंड साथ में आपके कुछ हिस्ट्री पॉलिटी एंड अदर कुछ अपने जो कि बनते हैं स्टैटिक से क्वेश्चंस। सो आपको सही लगे तो एक बार, आपके पास टाइम हो तो आप लोग 11 बजे वाली क्लास भी ज्वाइन कर लीजिएगा, आपकी तैयारी और भी बेहतर रहेगी। चलिए बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, वडोदरा है। और यदि हम नेशनल रेलवे म्यूजियम की बात करते हैं, यह कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, नेक्स्ट है हमारा कि स्वतंत्रता से पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा का पहला स्पीकर कौन था? पहला स्पीकर कौन था, चलो बताओ। इसके साथ ही यूपी में लोकसभा की सीटें, यूपी में राज्यसभा की सीटें, यूपी में विधानसभा की सीटें कल ही मैंने आप लोगों को बताई थी वैसे, लेकिन एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। और विधान परिषद की सीटें बताएंगे एक बार, मतलब मेरे अकॉर्डिंग 99% मैं कह सकती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने के लिए। चलिए बताएंगे क्या आंसर आप लोगों का रहेगा,
राज श्री पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? राज श्री पुरुषोत्तम दास टंडन यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पर रहेगा। आज भी 404 वाले हैं। चलिए यहाँ पे बात करते हैं कितना होगा हमारा, 80, राज्यसभा 31, विधानसभा की बात करते हैं 403, और यदि हम विधान परिषद की बात करते हैं तो 100। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटों के बारे में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटों के बारे में पूछा जाए तो भी उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटों के बारे में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पूछा जाए कि कहां पर सबसे ज्यादा विधान परिषद की सीटें हैं तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, चारों के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब हम लोग यहाँ पे कि अमेजिंग अयोध्या यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है, यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है। भूख लगने लगी फिर से, हाँ फिर से लगने लगी, वही काम कर रहे हो ना कल की तरह आप लोग फिर से। चलो बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अमेजिंग अयोध्या यह बुक किसकी है। याद रखना नीना राय की बुक है। किसकी है? नीना राय की बुक है। एंड अयोध्या नगरी के ऊपर लिखी हुई है, सो ऑफ कोर्स काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बाकी चेतन भगत की बात करते हैं, सो इनकी भी काफी बुक हैं, जैसे कि टू स्टेट्स बुक है, एंड हाफ गर्लफ्रेंड, एंड मतलब और भी काफी इनकी बुक्स हैं जो कि आप लोग याद रखिएगा। करेंगे हम लोग धीरे धीरे करके बुक्स के बारे में। चलो भाई आगे बढ़ चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर को सात दीपों का शहर कहा जाता है, किस शहर को सात दीपों का शहर कहा जाता है, यह आप लोगों को बताना है। किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ठीक है, यदि हम कोलकाता की बात करते हैं सो इसे महलों का शहर कहा जाता है, इसे महलों का शहर कहा जाता है भारत में। और इस तरह के जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपके होते हैं ना, वो मैं अपनी 11 बजे की क्लास में कराती हूँ। ठीक है, इस तरह के जो कि कुछ छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं ना स्टैटिक जीके के, तो वो हम लोग अपनी 11 बजे की क्लास में डिस्कस करते रहते हैं। तो चलिए यदि हम क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मुंबई। सात दीपों का शहर किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। और भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो कि है वह है मुंबई ही है, याद रखना। एंड गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया की बात की जाए तो कहां पर बना हुआ है? मुंबई में वह बना हुआ है। विपिन बहुत हंस रहे हो दांत दबाकर, हैं मुंह बंद करके हंस रहे हो ताकि तुम्हारे दांत कोई ना देखे। चलो आगे बढ़ चलते हैं। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक यह किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा यह लिखी गई है, यह आप लोग बताएंगे किसके द्वारा लिखी गई है। अपनी जो ये क्लास चलती है जिसमें कि हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए कर रहे हैं, ये क्लास हमारी डेली 1 बजे शुरू हो जाती है। ठीक है, इस वीक अभी हमारी 1 बजे क्लास चल रही है, तो आप लोग 1 बजे टाइम से आ जाया कीजिए। चलिए बताएंगे यहाँ पे किसकी बुक है, यदि हम बात करते हैं तो किसकी है? शशि थरूर की बुक है। किसकी है? शशि थरूर की बुक है। और इनका निर्वाचन क्षेत्र आप लोग मुझे बताइए। यदि हम शशि थरूर की बात करते हैं तो यह एक राजनेता और एक लेखक के रूप में जाने जाते हैं। इनकी बुक्स काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, पूछी जाती हैं, जैसे कि वाई आई एम अ हिंदू। ठीक है, और जस्ट अभी हमने देखा इनकी एक और बुक है जिसका नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस, ऑफ डार्कनेस इनकी बुक है। क्लियर है, याद रखिएगा इनकी बुक्स के बारे में। चले सो इनके निर्वाचन क्षेत्र के बारे में आप लोग मुझे बताएंगे। तिरुवनंतपुरम, बिल्कुल सही है। कौन सा है यहाँ पे? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम क्या है इनका निर्वाचन क्षेत्र, जो कि आपकी केरल की राजधानी है। ठीक है, केरल की राजधानी है, याद रखिएगा। और केरल को गॉड्स ओन सिटी कहा जाता है, गॉड्स ओन सिटी कहा जाता है, मतलब कि भगवान का निवास स्थान माना जाता है केरल राज्य को। चलो, क्योंकि वो बहुत सुंदर है इसीलिए। आगे बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन है कि रसाथी द अदर साइड ऑफ अ ट्रांसजेंडर, ठीक है, ये बुक किसकी है, बताएंगे आप लोग। ठीक
है, ये बुक किसकी है बताएंगे आप लोग, और भाई डेज के बारे में, बुक्स के बारे में एंड बाउंड्रीज के बारे में, कैपिटल एंड करेंसी आज तो नहीं है, कल और ज़्यादा क्वेश्चंस रखेंगे, आज बुक्स के ज़्यादा क्वेश्चंस थे लेकिन इनको हम लोगों को कवर करना है, कैपिटल एंड करेंसी के बारे में एंड अदर आपके टॉपिक जैसे कि इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, अदर जनरल नॉलेज, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित, इन पॉइंट्स को कवर कर लेना आपके बहुत अच्छे से। चलिए सो आगे बढ़ते हैं कि रसाथी दी अदर साइड ऑफ अ ट्रांसजेंडर यह किसकी बुक है, यह किसकी बुक है, रसिंद्रन कलिकेल की बुक है, किसकी है, रसिंद्रन कलिकेल की यह बुक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, किस देश को द लैंड ऑफ केक्स कहा जाता है बताएंगे, द लैंड ऑफ केक्स इसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, द लैंड ऑफ केक्स कहा जाता है बताएंगे, किस देश को कहा जाता है, इनके बारे में याद रखिएगा। जैसे कि कुछ हम लोग नाम लिख लेते हैं, जैसे कि द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट, ठीक है, कहा जाता है किसको, थाईलैंड को कहा जाता है, ठीक है, थाईलैंड को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद यदि हम गोल्डन, आज क्या हो रहा है, यदि हम गोल्डन लैंड की बात करते हैं सो यह म्यांमार को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, यह म्यांमार को कहा जाता है। चलिए यहाँ पे आप लोगों को बताना है क्या आपका आंसर रहेगा, स्कॉटलैंड, क्या रहेगा आपका, स्कॉटलैंड यहाँ पे आप लोगों का आंसर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्कॉटलैंड आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में तांबे का सबसे बड़ा भंडार है, साथ ही आप लोग इंडिया में भी बताएंगे, इंडियाज स्टेट के बारे में भी कि किस राज्य में सबसे ज्यादा है ना कॉपर का उत्पादन होता है, दोनों के बारे में ही बताना है। हाँ स्कॉटलैंड बिल्कुल सही है, चलिए आगे आंसर कीजिएगा। हाँ बिल्कुल सही कहा, रिकॉर्डेड क्लास चल रही है मेरी, रिकॉर्ड करके रखी हुई है और रिकॉर्डेड क्लास चल रही है मेरी। चलिए बताएंगे, भारत में भी बताना है आप लोगों ने, चिले देश, भारत में भी बताना है कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, इजिप्ट नहीं होगा भाई, चिले देश होगा, ठीक है, चिली, चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, चिली देश आपका हो जाएगा। और यदि भारत में बात की जाए तो बताएंगे, सॉरी यदि भारत में बात की जाए तो भारत में आपका आंसर क्या होगा, सबसे ज़्यादा हमारे भारत के यहाँ पे चिले देश होगा, ठीक है, चिले देश होगा, ना तो आपका इजिप्ट होगा, ना ब्राजील होगा, ना साउथ अफ्रीका होगा, चिले देश सबसे ज़्यादा करता है। और भारत में आप लोगों को बताना है, इसमें ये आंसर याद रखिएगा, ठीक है, जो कि साउथ अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, साउथ अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बताएंगे आगे आप लोग आंसर करके, आगे बताएंगे यहाँ पे आंसर करके क्या हो जाएगा। चलिए भारत में बात करते हैं तो आपका राजस्थान होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्य रूप से होता है, बिल्कुल सही। चलिए सोने का आण्विक सूत्र कौन सा होता है बताएंगे, और सबसे प्योर गोल्ड के बारे में बताएंगे, सबसे प्योर गोल्ड के बारे में आप लोग बताएंगे कि सबसे प्योर गोल्ड कौन सा है, मतलब कि शुद्ध सोना, कौन से कैरेट का सबसे शुद्ध सोना है बताएंगे, 18, 22, 24 की 16 बताएंगे, कौन सा सबसे ज्यादा प्योर गोल्ड है, बिल्कुल सही है, ए आपका AU यहाँ पे आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि हम लोग सबसे प्योर गोल्ड की बात करें तो, यह कौन सा होगा, 24 कैरेट, बिल्कुल सही है, 24 कैरेट, जिसमें कि 98% तक जो है प्योर गोल्ड रहता है और बाकी आपके अदर मेटल्स आपके रहते हैं इसमें, ठीक है, मतलब 98 के आसपास याद रखना, 98 से 97 के करीब में, ठीक है। चलिए सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में कि शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय डैश में स्थित है कहाँ पर,
सबसे शुद्ध। नहीं, मेरा नाम सोनम है, सोना नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आंसर करेंगे। राधिका सूर्या आंसर कीजिए, लेट आते हो क्लास में। चलो आगे बढ़ते हैं। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर यह भाई स्थित है बताएंगे, कहाँ पर यह स्थित है यह आप लोगों को बताना है आंसर करके। नई दिल्ली, नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाया जा रहा है, टॉय म्यूजियम बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है कहाँ पर, बनाया जा रहा है कहाँ पर बताना जरा, कहाँ पे बनाया जा रहा है। कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, मेरा बस नहीं चलता, नहीं तो तुम लोगों के ऊपर, तुम लोग बोलते ना नींद आ रही है, तो पूरा पानी की बाल्टी भर के, पानी की बाल्टी भर करके तुम लोगों के ऊपर फेंकती मैं। पढ़ते रहो चुपचाप से, वैसे क्या चिंता मत कीजिए, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, जल्दी खत्म होने वाले क्वेश्चंस है, कल और ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी, फिर मैं तुम लोग को बताती हूँ। चलो बताएंगे यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, कहाँ पे है सबसे बड़ा? गुजरात में। बहुत अच्छे, कहाँ पर? गुजरात में बनाया जा रहा है, गुजरात में बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। द नेक्स्ट है हमारा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? इसकी स्थापना कब की गई है ये भी बताएंगे, इसकी स्थापना कब की गई है यह भी आप लोगों को बताएं, हम तैयार हैं। चलिए बताओ जल्दी से आंसर करके चुपचाप से, यहाँ पे क्या हो जाएगा। चलिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, ध्यान रखिएगा इसकी फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, और 4 नवंबर 1946 में इसकी स्थापना की गई थी, और मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस में इसका मुख्यालय है। 1945 में की गई थी अच्छी स्थापना, 1946 में की गई थी इसकी स्थापना, 1946 में इसकी स्थापना की गई थी 4 नवंबर को, और 4 नवंबर को यूनेस्को की स्थापना के चलते यहाँ पे सांस्कृतिक, विश्व सांस्कृतिक दिवस के रूप में भी यह मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, पेरिस किस नदी के किनारे पर स्थित है? किस नदी के किनारे पर स्थित है जरा यह आप लोग बताएंगे, किस नदी के किनारे पर स्थित है पेरिस बताओ जरा, किस नदी के किनारे पर भाई पेरिस स्थित है बताएंगे। किस नदी के किनारे पर पेरिस लोकेटेड है यह आप लोगों को बताना है, किस नदी के किनारे पर स्थित है यह आप लोगों को बताना है। सीन नदी के किनारे, बिल्कुल सही है, यह है आपका सीन नदी के किनारे पर स्थित है, सीन नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। और यदि हम वॉशिंगटन डीसी की बात करते हैं, सो पोर्ट मैक, ठीक है, और यदि हम न्यूयॉर्क की बात करते हैं, सो हडसन, किसके किनारे पर है? हडसन नदी के किनारे पर यह स्थित है। चलो आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन में। महान जीवित चोल मंदिर किस राज्य में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है बताएंगे। अगर हम भारत में विश्व धरोहर स्थल की बात करते हैं तो उनमें से द ग्रेट चोलास टेम्पल एक है, ठीक है, द ग्रेट लिविंग चोलास टेम्पल एक है, द ग्रेट लिविंग चोलास टेम्पल एक है बताएंगे आप लोग यहाँ पे इसके बारे में बताएंगे कि यह भाई कहाँ पर है, कहाँ पर है यह आप लोगों को इसके बारे में हमें बताना है। चलिए बिल्कुल सही है, यदि हम इसकी बात करते हैं कहाँ पे है यह है तमिलनाडु में, कहाँ पर है? तमिलनाडु में यह है। यदि हम इसकी बात करते हैं तो इसे विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था, इसे 1987 में शामिल किया गया था, क्लियर। उसके बाद यदि हम इस टेम्पल की बात करते हैं तो यह तीन मंदिरों का समूह है, तीन मंदिरों का समूह है। अब जल्दी से उन मंदिरों के नाम बताओ, तीन मंदिरों का समूह है, तीन मंदिरों का समूह है,
अब जल्दी से उन मंदिरों के बारे में बताओ मुझे कि वो मंदिर। राहुल पटेल, एक तो गलत और ऊपर से कॉपी पेस्ट। बहुत हिम्मत है रे भाई आप में। चलो, गलत कर रहे हो और कॉपी पेस्ट किए जा रहे हो आप लोग। हाँ, क्लास की टाइमिंग जी बिल्कुल राघवेंद्र, ये 1 बजे है, बाकी 11 बजे वाली क्लास अपनी चलती ही है, जो कि सभी एग्जाम्स में आपको फ़ायदा करेगी। और मैं ये कहूँगी आप लोग को सजेशन के तौर पर कि यदि आप अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो भाई 10 नंबर की बात है। जनरल अवेयरनेस की यदि बात करते हैं तो 10 नंबर के क्वेश्चंस की बात है यहाँ पे। तो अगर आप लोग 3 घंटे 4 घंटे दो ना, तो कोई कम नहीं है। 10 नंबर, ठीक है, तो 3-4 घंटे आप दे सकते हैं। तो दो घंटे के लिए ये मेरी क्लास होती ही है, प्रॉपर 2 घंटे की चल नहीं पाती है। मुश्किल से 1 घंटा 40 मिनट ही हम लोग करते हैं। मैं जल्दी ही फ्री कर देती हूँ आप लोगों को, और उसके बाद आप लोग 11 बजे वाली क्लास भी मेरी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए यहाँ पे बात करते हैं। पहले यदि हम इस मंदिर की बात करते हैं तो कौन सा है, यह है बृहदेश्वर का मंदिर, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं तो यह आ जाता है बृहदेश्वर मंदिर। एक तो है बृहदेश्वर, एक है बृहदेश्वर, थर्ड है ऐरावतेश्वर, ऐरावतेश्वर का मंदिर। इन 3 मंदिरों का यह ग्रुप है, याद रखिएगा, इन 3 मंदिरों का ग्रुप है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अयोध्या को सबसे स्वच्छ शहर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस संस्थान के साथ में सहयोग किया है, बताएंगे। चलिए बताएंगे यहां पे क्या आंसर आप लोगों का रहेगा, क्या आंसर आपका रहेगा, ठीक है। जो बृहदेश्वर और बृहदेश्वर का मंदिर है ना, एक है तंजावुरम में, एक है तंजावुर में तमिलनाडु के, एक है तमिलनाडु के गोपालपुरम में। उन दोनों मंदिरों की लोकेशन अलग अलग है, ठीक है, और दोनों अलग अलग मंदिर हैं। चलिए बताएंगे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, क्या आंसर आप लोगों का हो जाएगा। बिल्कुल सही है। चलिए यदि हम इसके बारे में बात करते हैं तो आई आई एम इंदौर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे सही आंसर आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि ओल्डेस्ट आईआईटी ऑफ इंडिया कौन सी है, ओल्डेस्ट आईआईटी ऑफ इंडिया बताएंगे, ओल्डेस्ट आईआईटी यहाँ पे बताएंगे आप लोग कौन सी है, ओल्डेस्ट आईआईटी बताओ जरा, ओल्डेस्ट आईआईटी यहाँ पे क्या आंसर आप लोगों का हो जाएगा। कौन सी है, आईआईटी खड़गपुर, बिल्कुल सही है, कहाँ पर है आईआईटी खड़गपुर, ठीक है, जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी, इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। सेकंड नंबर पर है आपकी आईआईटी मद्रास जिसकी स्थापना 1959 में की गई थी। ये पॉइंट अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है, मुझे अभी याद आ गया था तो इसीलिए मैंने आप लोगों को लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। डैश एक वैश्विक कार्यक्रम में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिमनास्ट है कौन है, एक वैश्विक कार्यक्रम में पदक जीतने वाली पहली जिमनास्ट है वह कौन है, बताएंगे आंसर करके, कौन है वह, यह आप लोगों को बताना है, वह कौन है, वह कौन है। चलिए चलिए बात करते हैं यहाँ पे कौन है, दीपा कर्माकर, बिल्कुल सही है, कौन है दीपा कर्माकर की यदि बात की जाए तो 2014 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में, 2014 में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था, है ना, और इसके साथ ही जिमनास्ट में कॉमनवेल्थ गेम में मेडल जीतने वाली यह पहली भारतीय महिला बन गई थी, और उसके बाद यह ओलंपिक गेमों में भी टॉप 3rd में नहीं आ सकी थी, बट 4th से 5th स्थान पर यह रही थी, मतलब अच्छी
पोजीशन पर यह रही थी 2016 में ओलंपिक गेम में। बहुत अच्छे जिम्नास्ट हैं एंड यदि मैं इनकी बात करूं तो इनका जन्म अगरतला में हुआ है, अगरतला में इनका जन्म हुआ है, याद रखिएगा। चलिए सो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में डिजिटल लेन देन नहीं है? वैसे काफी आसान रहेगा इसका आंसर आपका, ठीक है, यहां पे काफी आसान आप लोगों का रहेगा। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन भारत में डिजिटल लेन देन नहीं है? देखो यदि हम एटीएम की बात करते हैं तो ऑफकोर्स एटीएम ट्रांजेक्शन से हम लोग डिजिटल ही लेन देन करते हैं, पेटीएम से भी, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन के माध्यम से भी। भाई जब आप कैश दे रहे हो तो वह डिजिटल थोड़ी ना हुआ, ठीक है, डिजिटल थोड़ी ना हुआ। कैश आप तब दे पाओगे जब सामने ही, मतलब आप चीज़ों को खरीद रहे हैं, पैसे पे कर रहे हैं कुछ इस तरह से कैश में। सो यहाँ पे डिजिटल लेन देन जो नहीं है वह आपका कैश ट्रांजेक्शन को डिजिटल लेन देन में शामिल नहीं किया जाता। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। डैश विश्व का सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र है, कौन सा इनमें से विश्व का सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र है बताएंगे कौन सा है? यहाँ पे भारत का सबसे ठंडा स्थान, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, जो कि हमारे भारत में है। यह विश्व में सबसे ऊंचाई पर यह वह स्थान है जहां पर की बैटल हुआ था। अच्छा ये बताओ कि ये बैटल कब हुआ था, यहाँ पे बैटल कब हुआ था, कौन सा बैटल हुआ था और कब हुआ था, ठीक है, कौन सा हुआ था और कब हुआ था। ये होती है जिम्नास्ट से है दीपा कर्माकर। जिम्नास्ट वो होता है ना, अरे जैसे कि सर्कस में पहले दिखाया करते थे कि वो छलांग लगा लगा करके एक जो रस्सा सा होता था वो दूसरे पर पहुंच जाते थे, तो वो जिम्नास्ट होता है, बहुत टफ होता है। वैसे आंसर करो, सियाचिन ग्लेशियर पर कब वॉर हुआ था? बिल्कुल सही, मेघदूतम ऑपरेशन चलाया गया था। बताएंगे क्या आंसर रहेगा आप लोग का, आंसर कीजिए। बिल्कुल सही है, कब? 1984 के समय में, 1984 के समय में यहां पर हुआ था, 1984 के समय में यहां पर हुआ था जब मेघदूतम ऑपरेशन को चलाया गया था, ठीक है। चलिए सो आगे बढ़ चलते हैं। चलिए 1984 में हुआ था, 1984 में जब जो है, क्योंकि पाक ऑक्यूपाइड वाला जो कि क्षेत्र है ना, तो वो तो पहले से ही कैप्चर किया हुआ था, तो उनकी सेना और धीरे धीरे बढ़कर के एरिया को कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, तो तब हुआ था यहाँ पे। चलिए सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में कि लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? लिंगराज मंदिर की बात करते हैं, कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है, और यहाँ पर ही राजरानी मंदिर है, यहाँ पे ही राजरानी मंदिर भी है एंड यहाँ पर ही आपका जगन्नाथपुरी मंदिर बना हुआ है, ठीक है, कोणार्क मंदिर यहाँ पर ही बना हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा इन टेम्पल्स के बारे में जो कि उड़ीसा में है। अच्छा ये बताओ कोणार्क मंदिर की फोटो किस नोट पर लगी है? नोट इन द सेंस की करेंसी, किस भारतीय नोट पर फोटो लगी हुई है कोणार्क मंदिर की, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन आगे कर रहे हैं नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे। चलिए बताएंगे किस भारतीय नोट पर लगी हुई है, क्राइम मास्टर जी या तो अपनी हरकतों से बाज आ जाइए नहीं तो फिर मैसेज ना करोगे आप। चलो आंसर कीजिए, पहला विश्व हिंदी दिवस किस वर्ष मनाया गया था? पहला हिंदी दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 10 रुपए के नोट पर, बिल्कुल सही, 10 रुपए के नोट पर लगी हुई है एंड यदि हम बात करते हैं 50 रुपए के नोट पर, सो वह लगी हुई है किसकी? हम्पी टेम्पल की फोटो लगी हुई है। चलो आगे बढ़कर के बताएंगे क्वेश्चन का आंसर भी, यहाँ पर हमारा
क्या हो जाएगा। सबसे पहला विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? कब मनाया गया था? 2006 में यह मनाया गया था। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को मनाया जाता है। और यदि हम नेशनल हिंदी डे की बात करते हैं तो यह आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को ही आपका हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था और इसके लिए आर्टिकल 343 आपका मेंशन यहाँ पर किया गया था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि हिंदी भारत की राजभाषा है, सो आर्टिकल 343। ठीक है, नंबरिंग से याद रखना, 3, 3 और 4। ठीक है, छोटा भाई और फिर बड़ा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आगे आ जाता है कि गैनीमेड निम्नलिखित में से किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? बताएंगे किसका यह उपग्रह है, यह आप लोगों को बताना है। बताएंगे क्या आंसर आप लोगों का यहां पर हो जाएगा, बताएंगे किसका है, यह है बृहस्पति का। ठीक है, बृहस्पति का। अच्छा, एक और चीज, यदि मैं बात करूं कि हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ी नेचुरल सैटेलाइट मतलब कि प्राकृतिक उपग्रह किस ग्रह का है, तो बताओ क्या आंसर होगा आप लोगों का। मैं दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, आप लोग मुझे आंसर कीजिएगा कि यदि मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे यदि मैं आप लोगों से कहूँ कि हमारे सोलर सिस्टम में मतलब कि हमारे सौर मंडल में किस ग्रह की सबसे बड़ी प्राकृतिक उपग्रह है, तो उसका नाम बताइए कौन सा है। मून अच्छा, बृहस्पति इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर। गैनीमेड हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम है, जुपिटर ही है। सही बात है, यदि हम बात करते हैं तो जुपिटर ही हमारे जो कि सोलर सिस्टम है इसमें सबसे बड़ी नेचुरल सैटेलाइट के रूप में यह जाना जाता है, याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह के बारे में यदि पूछा जाए सो वह सैटर्न के हैं मतलब कि शनि के हैं 82। दूसरे नंबर पर बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं मतलब कि नेचुरल सैटेलाइट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री ने घोषित किया कि प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा, बताएंगे किसके द्वारा घोषित किया गया था, किसके द्वारा घोषित किया गया था कि हर वर्ष हिंदी दिवस 10 जनवरी को ही मनाया जाया करेगा। कौन थे यह? मनमोहन सिंह। ठीक है, कौन थे? मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह की बात करते हैं तो इनका ओवरऑल जो कि कार्यकाल रहा है वह लगभग 10 वर्षों का रहा है एज अ प्रधानमंत्री के तौर पर। एंड सबसे पहले भारत में सबसे पहले सिख प्रधानमंत्री की यदि बात की जाए तो वह मनमोहन सिंह ही रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब हम लोग यहाँ पे कि जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में और कितनी रामसर साइट यहाँ पर जोड़ी गई हैं? सिर्फ 2020 की बात की गई है। ठीक है, क्योंकि यदि अगर हम टोटल की बात करते हैं तो टोटल कितनी है, टोटल की बात की जाए तो 8 है, 8 रामसर साइट है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 8 रामसर साइट है उत्तर प्रदेश में। 2020 में कितनी जोड़ी गई है, 2020 में कितनी जोड़ी गई है यह आप लोगों को बताना है और नाम भी बताने हैं। बताएंगे नाम भी आप लोगों को बताने हैं हमें। नाम भी बताने हैं आप लोगों को उनके हमें। 3, 6, 3, 6, 3, 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? 6 आंसर होगा। अब जल्दी से उनका नाम बताइए कौन सी होंगी, वह कौन सी है जिनको कि भाई ऐड किया गया है, बताएंगे कौन सी है जिनको कि ऐड किया गया है, कौन सी है जिनको कि भाई यहां पर ऐड किया गया है।
कौन सी हैं जिनको ऐड किया गया है, आप लोग मुझे ओके चलिए बताएंगे कौन सी है जिनको कि भाई ऐड किया गया है। आपको नाम बताने हैं उन सभी के, आप इसका ऑफलाइन कमेंट करके एक बार मुझे बताइएगा, क्योंकि आप लोगों को उत्तर प्रदेश की जो कि 6 रामसर साइट जोड़ी गई हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। बाकी लास्ट टाइम याद रखना कि कीथम झील को जोड़ा गया था, कीथम झील जो कि आगरा में है इसको यहाँ पर जोड़ा गया था, ठीक है। इन सभी के नाम आप लोग मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे कि वह 6 कौन सी हैं। चलिए, निर्वाचन आयोग के प्रमुख को डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है, इलेक्शन कमीशन के जो कि कमिश्नर यहाँ पर होते हैं, मतलब जो चीफ होते हैं उन्हें किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। यदि हम इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं सो इनका जो कि कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का या फिर 65 वर्ष की उम्र उन्होंने अपनी पूरी की हो, यह इनका कार्यकाल होता है। और इसके लिए आर्टिकल होता है कितना, आर्टिकल 324 यहाँ पर होता है, ठीक है। आर्टिकल 324 इसके लिए होता है एंड 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी भारत में इलेक्शन कमीशन की, ठीक है, चुनाव आयोग की। तो किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, डैश ने सौर मंडल की खोज की है, किसने सौर मंडल की खोज की है यह आप लोगों को बताना है, किसको जाना जाता है सौर मंडल की खोज के लिए, बताएंगे। बताएंगे किसको यहां पर जाना जाता है, बताएंगे, कोपरनिकस, बिल्कुल सही है। यहां पे यदि हम बात करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपका जो आंसर है ना वह क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोपरनिकस, ठीक है, क्या हो जाएगा, कोपरनिकस आपका आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है, कोपरनिकस, हाँ जी बिल्कुल सही है, कोपरनिकस, ठीक है। सो फिलहाल आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर ही रखते हैं, तो खुश तो बहुत होंगे आप लोग, ठीक है, यहाँ के सेशन को हम लोग यहाँ पर ही रखते हैं। बट मुझे लगता है कि हम लोग क्लास में 67 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं, तो कल हम लोग 80 क्वेश्चंस का टारगेट रखेंगे, ठीक है, कल हम लोग अपनी क्लास में 80 क्वेश्चंस का टारगेट रखेंगे। और आप लोग क्लास में अपनी 1 बजे आ जाया कीजिए डेली, जो कि आपकी शुरू होती है, इसके साथ ही आप लोग मेरी 11 बजे की क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि अपनी मेन चैनल एग्जामपुर पर ही चलती है। और एक ट्विटर के ऊपर नितिन सर की एक वीडियो आई है, वो वीडियो जरा देख लीजिएगा, जिसमें कि सर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी है, 2 से 3 मिनट की ही वीडियो है, तो देख लीजिएगा कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है ट्विटर के बारे में, देखना जरूर, छोटी सी वीडियो है, मात्र 2 मिनट के आसपास ही है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी फिर से आप लोगों को जनरल अवेयरनेस के लिए जागरूक करते हुए बोलूँगी कि 10 नंबर ही आती है, और 10 नंबर यदि आप 2 घंटे तक बैठ करके पढ़ रहे हैं, ठीक है, और साथ में 11 बजे वाली क्लास 3 घंटे बैठ करके पढ़ रहे हैं और फिर 1 घंटा अपने आप को दे रहे हैं, तो कोई बुरा नहीं है, ठीक है, 4 घंटे आपके बनते हैं मिनिमम अपने 10 नंबर के लिए, तो 10 नंबर की लड़ाई है, ध्यानपूर्वक लड़िएगा, ठीक है। चलिए सो फिलहाल क्लास को ऑफ करते हैं, मिलते हैं अब हम लोग कल, ओके श्रवण जी, मिलते हैं कल अपने ही समय पर, ख्याल रखिएगा, क्लास अच्छी लगी हो सो लाइक करके जाइएगा, तो मिलते हैं कल, सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद जय भारत। क्लास सॉल्यूशन पीडीएफ, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस और क्विज आफ्टर एवरी टॉपिक, इसमें आपको मिलेगा एक स्पेशल फीचर हर शनिवार लाइव वीडियो कॉलिंग, जिसमें हम आपके पर्सनल डाउट्स को दूर करेंगे। तो साथियों अभी जाकर एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें और ज्वाइन करें पुलकित सर रीजनिंग बैच। जय हिंद साथियों, पुलकित सर रीजनिंग बैच लॉन्च हो चुका है 13 जून को, तो इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग इन सभी एग्जाम्स के लिए, यूपीएसआई 2021, यूपी पुलिस कांस्टेबल, UPSSSC, PET, RRC, ग्रुप डी, RRB, NTPC, CET 2021, SSC, GD, SSC, CPO, CGL, MTS, स्टेनो और टीचिंग एग्जाम्स के लिए।
इसमें आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, क्लास सॉल्यूशन पीडीएफ, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस और क्विज आफ्टर एवरी टॉपिक। इसमें आपको मिलेगा एक स्पेशल फीचर हर शनिवार लाइव वीडियो कॉलिंग, जिसमें हम आपके पर्सनल डाउट्स को दूर करेंगे। तो साथियों, अभी जाकर एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें और ज्वाइन करें पुलकित सर रीजनिंग बैच।